धातु के ग्रह के रूप में हो तो, या कहीं अग्नि के रूप में हो, किसी यंत्र के रूप में हो, आठ प्रकार की जो मूर्ति है उनमें कोई मूर्ति उनका निरंतर दर्शन करे, तो धाम निष्ठा, स्वरूप निष्ठा। फिर तीसरी चीज नाम निष्ठा। नाम दो प्रकार के, एक हरि नाम और दूसरा लीला कथा। ये दोनों ही नाम सेवा है। भागवत को पढ़ना, भागवत को श्रवण करना, ये भी नाम सेवा है, और हरि नाम का जप करना ये भी नाम सेवा है। तो नाम माने नाम और लीला, नाम में सब आगे, तो नाम सेवा। तो तीसरी वस्तु हुई नाम सेवा, और चौथी चीज वो है वैष्णव सेवा। सर्वदा गुरुदेव का आश्रय, नैष्ठिकी भक्ति के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है वो है लोभ की। अब नैष्ठिकी भक्ति, इन चारों वस्तुओं में निष्ठा कैसे उत्पन्न हो, ये चार चीज में निष्ठा उत्पन्न करना। निष्ठा माने अपने साधन में अविचल स्थिति, उसका नाम है निष्ठा। अपने साधन में अविचल स्थिति, मैंने जो साधन पकड़ा है इसको नहीं छोड़ूंगा। अब मैंने चार साधन पकड़े हुए हैं, धाम, स्वरूप, नाम और गुरु। नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, स्वरूप निष्ठा, नाम निष्ठा और वैष्णव निष्ठा। वैष्णव निष्ठा के साथ में गुरु है, जो गुरु वैष्णवों में मूर्धन्य होकर के श्री गुरु जी विराजमान है। तो ये चार निष्ठाएं मुख्य हैं। अब ये चारों निष्ठाओं की नैष्ठिकी भक्ति कैसे प्राप्त होगी? नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त करने के पहला सोपान है सबसे पहले लोभ। कि श्रुते कृष्णा माधुर्य दृष्टि धीरेपेक्षते नाथ शास्त्र ने युक्ति चो तल लोभोत्पत्ति लक्षण। कि हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न होना चाहिए कि आहा, जैसे गोपियों के अधीन होकर के कृष्ण विराजमान, यशोदा जी के अधीन होकर के कृष्ण विराजमान, हाय वो कब वो अवसर होगा कि मैं भी ब्रजवासियों के बीच में विराजमान हूं और श्री कृष्ण मेरी भी अधीन होकर के मेरी सेवा स्वीकार कर। ये लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इसको यहां पर एक बार पाठ भी हुआ था, माधुरी कादम्बरी का नहीं तो उसका रागवर्तन चंद्र का, रागवर्तन चंद्र का यहाँ पर पाठ भी हुआ था एक बार, कई 10-15 दिन तक वो पाठ चला था। उसके आधार पर कह रहे कि सबसे पहले लोभ उत्पन्न होना चाहिए। लोभ का उन्होंने लक्षण बताया, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा हष्टपुष्ट है, एक व्यक्ति ने कहा भैया किस चक्की का पिसा हुआ आटा खाता है, हमने तो खूब चंद प्राश रोज चाटते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सूखते हुए चले जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, दवाई ववाई तो डॉक्टर से खूब लाते हैं और खूब खाते भी है, पर तो कुछ अन्न में लगती नहीं है। बोले ऐसे नहीं लगेगी, तुझे एक काम करना पड़ता, कितने बजे सो के उठता है? बोले 8 बजे पे। बोल गलत, अब तुझे उठना पड़ेगा 4 बजे पर, 3 बजे पर, नहीं हो तो 5:30 तक तो उठ ही जाना, तुमको इससे लेट नहीं, इतना तो उठ ही जाना। और फिर जैसे मैं कह रहा हूं वैसे एक काम करना पड़ेगा कि एक गाय ला और उस गाय की सेवा कर ठीक समय पर, फिर गाय का धारुष्ट दूध उसको तू ले और गर्म गर्म दूध ठाकुर जी के भोग लगा करके, वही बिल्कुल कच्चा दूध, धारुष्ट दूध, उस दूध को मैंने पिया, मैंने दुग्ध कल्प किया था, मेरा भी शरीर तेरे शरीर का ही था, ऐसे ही रोगी था, मैंने किसी डॉक्टर की वैद्य की निगाह में उसके निर्देशन में मैंने दुग्ध कल्प किया और दुग्ध कल्प करने से पहले तो मेरा सारा रोग निकला, दस्त वस्त हो गए और सारा मोशन हो गए और सारा रोग जो शरीर का मैल था वो निकल गया, परंतु डॉक्टर जैसे बताता गया उस तरह से मैं कार्य करता गया और फिर दूध पीते पीते फिर मेरे शरीर में फिर दूध लगने लगा, दूध मुझे पचने भी लगा और फिर मेरा शरीर सुपुष्ट हो गया। तो सबसे पहले तो लोभ उत्पन्न हुआ उस व्यक्ति को कि आहा, ये व्यक्ति जैसा स्वस्थ है ऐसा मैं भी स्वस्थ हो जाऊं। लोभ के बाद में फिर उसने क्या किया, वो दूसरा भक्ति का प्रसंग हुआ, लोभ दूसरा भक्ति का आश्रय हुआ,
वो है आश्रय। उसने किसी डॉक्टर को पकड़ा, पंचकर्म करने वाला जो बढ़िया वैद्य था उस वैद्य का उसने आश्रय ग्रहण किया और उसने पंचकर्मा के द्वारा उसने जो रेचन इत्यादि के हैं उनको पहले करवाया और रेचन करवा करके जो शरीर के जो रोग हैं उन रोगों को उसने दूर किया। तो फिर चरणाश्रय, चरणाश्रय के बाद में तीसरी जो वस्तु है वो तीसरी वस्तु है साधन का में निष्ठा। उनने जो साधन बताए उन साधन का पक्के रूप में मैंने पालन किया। पक्के रूप में पालन करेगा तो भजन चलेगा। सबसे पहले लोग, लोग के बाद में गुरु की शरणागति, गुरु की शरणागति करने के बाद में गुरु जी ने हमको सौंपा है शिक्षा गुरु को। दीक्षा गुरु ने भगवान के साथ में संबंध करा दिया, संबंध करा करके गुरु जी सौंप रहे हैं हमको शिक्षा गुरु के पास में। अब शिक्षा गुरु जैसे बता रहे हैं उसके हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। कभी दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु हो सकते हैं, कभी दीक्षा गुरु अलग शिक्षा गुरु अलग, दो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो शिक्षा गुरु ने जो भजन की पद्धति बताई, अब शिक्षा गुरु की जो भजन की पद्धति है वो भजन की पद्धति होगी नवधा भक्ति, मुख्य रूप से श्रवण कीर्तन स्मरण और इनके ही विस्तार रूप में फिर ये तीन ही नौ बनेंगे। जो तीन थे श्रवण कीर्तन स्मरण वे ही पहले छह बनेंगे, पाद सेवन अर्चन और बंधन ये स्मरण के साथ में तीन चीज जुड़ जाएंगी और फिर बंधन के साथ साथ फिर तीन चीज और जुड़ जाएंगे, दास से सक्ष और आत्मनिवेदन। बंधन करेगा तो कभी दास भावना से, कभी सक्ष भावना से, कभी आत्मनिवेदन की भावना से। तो इस प्रकार मुख्य वस्तु तो तीन ही है। तो पहली वस्तु थी लोभ, दूसरी वस्तु थी गुरु की शरणागति, तीसरी वस्तु थी शिक्षा गुरु ने जो हमको नौ प्रकार की भक्ति दी, उन नौ प्रकार की भक्तियों का हम आश्रय ग्रहण करके विराजमान होंगे। वो नौ प्रकार की भक्तियों का नवधा भक्ति का सेवन करना। इस नवधा भक्ति के सेवन में भी एक चौथी चीज हुई है कि सेवा जो की जाएगी वो सेवा की जाएगी सर्वदा सर्वदा भाव संबंध को लेकर के। यदि वैधि संबंध को लेकर के सेवा की गई तो उसके द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति होगी और लोकवत व्यवहार के द्वारा सेवा की गई, लौकिक संबंध भाव के द्वारा सेवा की गई तो फिर श्री ब्रज धाम की प्राप्ति होगी। ये दोनों में अंतर। तो नवधा भक्ति तो की जा रही है परंतु नवधा भक्ति शास्त्राज्ञा नहीं बल्कि नवधा भक्ति जो की जा रही है वो लौकिक संबंध भाव के द्वारा भक्ति की जाए। तो जो चौथी चीज आई वो चौथी चीज हुई भाव या भाव की प्राप्ति और पांचवी जो चीज आई वो पांचवी चीज आएगी मेरा अपना स्वरूप क्या है। ये भाव कि मैं जहां प्रियालाल की लीला देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सुन रही हूं उस समय मैं निकुंज मंदिर में कहां खड़ी हूं, ये निसंबंध ये छठी चीज। और जब ये छठी चीज के साथ में सेवा की जाएगी तो फिर रागानुगा भक्ति की सिद्धि हो जाएगी। तो नैष्ठिक की भक्ति की एक पद्धति है। फिर से थोड़ा दें, पहला स्टेप था लोभ, लोभ के बाद में दूसरा स्टेप जो हुआ वो हुआ श्री गुरुदेव की शरणागति, गुरुदेव की शरणागति के बाद में तीसरा जो स्टेप हुआ वो श्री गुरुदेव ने नौ प्रकार की जो भक्ति बताई उन नौ भक्तियों में पूर्ण विश्वास। फिर चौथा जो स्टेप हुआ वो स्टेप हुआ कि नौ प्रकार की भक्ति भी वह शास्त्र की आज्ञा से नहीं की गई, शास्त्राज्ञा भक्ति में प्रवृत्ति नहीं हुई बल्कि लोभेन भक्ति में प्रवृत्ति है, लौकिक संबंध भाव के द्वारा भक्ति में प्रवृत्ति है। तो यदि शास्त्राज्ञा भक्ति में प्रवृत्ति हो रही है उसका नाम है वैधि भक्ति, वैधि भक्ति के द्वारा वैकुंठ मिलेगा। परंतु यदि ब्रजवासी जनों के आनुगत्य को ग्रहण करते हुए भक्ति की गई तो उसके द्वारा श्री निकुंज मंदिर या वृंदावन की सेवा मिलेगी।
गुरु सेवा वो मिलेगी तब जबकि गुरुजनों के आंगत्य के द्वारा भगवत भक्ति की गई। तो चौथी वस्तु है भाव। पांचवी वस्तु उस भाव में मैं कहां खड़ा हूं या खड़ी हूं। ये दासी श्री गुरुदेव ने जो स्वरूप इस मंजरी को दिया वो मंजरी सेवा में कहां है। श्री प्रियालाल शयन कर रहे हैं, मैं कहां हूं। प्रियालाल स्नान कर रहे हैं, मैं कहां हूं। प्रियालाल श्रृंगार धारण कर रहे हैं उस समय मैं कहां हूं, मेरी क्या सेवा है। प्रियालाल रास कर रहे हैं उस समय मेरी सेवा क्या है। ये अपनी सेवा का विचार, अपने स्वरूप का विचार, और इस स्वरूप विचार पूर्वक यदि सेवा की जाएगी तो फिर जो राग भक्ति है वो राग भक्ति की सहज रूप में प्राप्ति हो जाएगी। अब जहां ये चीज आ गई वहां पर अब पांच चीजें और उत्पन्न होंगी जो उसने अपने स्वरूप का विचार करते हुए जब भक्ति की जो सेवा कर रहा है उस सेवा में अब यहां पर साथ में पांच चीजें और आएंगी। जैसे डॉक्टर एक तो देता है मुख्य दवाई और उसके साथ में लाल पीली हरी दो चार गोली और देता है, पर रहे वे सब दवाई, ऐसा नहीं है वे सब मिलकर के कंपाउंड वो ही पूरा असर करेगा। इसी प्रकार साधक जहां अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री नवधा भक्ति करते हुए विराजमान है उस नवधा भक्ति में उसे पांच चीज अपनानी पड़ेंगी। और श्री राग वर्तम चंद्रिका में श्री विष्णु चक्रवर्ती की निरूपण कर रहे हैं। पहली चीज है स्वाभिष्ट भावमय, दूसरी चीज है स्वाभिष्ट भाव संबंधी, तीसरी चीज है स्वाभिष्ट भाव अनुकूल, चौथी चीज है स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध, और पांचवी चीज है स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध। विरुद्ध का त्याग करेगा, अनुकूल और अविरुद्ध इनको ग्रहण करेगा, माने पथ्य को ग्रहण करेगा, कुपथ्य का त्याग करेगा, और कुपथ्य का त्याग करके पथ्य को ग्रहण करते हुए फिर औषधि को ग्रहण करेगा। औषधि प्रभाव डालने के लिए चार चीज को अपनाना पड़ेगा तो औषधि लाभ देगी। सबसे पहले औषधि में विश्वास, हर नाम में विश्वास होना चाहिए। पहली बात, डॉक्टर है बढ़िया से बढ़िया औषधि, औषधि में विश्वास नहीं आ रहे, डॉक्टर दो कौड़ी का डॉक्टर है कुछ नहीं है, छाप साठ छाप है, थैला छाप है, बस ये कहकर के डॉक्टर के कुछ अनादर है तो काम नहीं करेगा। डॉक्टर के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए, डॉक्टर की दवा के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। ये दो चीज, डॉक्टर में भी विश्वास माने गुरुदेव में भी पूरा विश्वास होना चाहिए, और डॉक्टर ने जो दवाई दी है हरिनाम, उस हरिनाम में भी पूरा विश्वास होना चाहिए। तो डॉक्टर पे विश्वास माने भजन कर रहे हैं सब कुछ फल नहीं हो रहा है, बहुत दिन से भजन कर रहे हैं और हुआ ये था कि वृंदावन में जिस समय आए थे उस समय तो भजन में बड़ा मन लगा था, और अब जब वृंदावन में रहने लगे तो जब क्या हुआ है कि आप तो बिल्कुल भजन में मन ही नहीं लगता, प्राय ये समस्या आती है, ये प्रश्न प्राय खड़े होते हैं कि भाई जब आए थे उस समय तो बड़ी भजन में बड़ा मन लग रहा था और अब जाने क्या हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, अब तो बिल्कुल बस हवा चल रही है, बस चल रही है, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ कोई अनुभूति कुछ भी नहीं होती, आए थे उस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था परंतु अब जाने क्या हो गया। तो इसका कारण बड़े लोग बताते रहे कि इसका कारण जो है वो ये है कि औषधि इसलिए काम नहीं कर रही है कि डॉक्टर में विश्वास कम हो गया, औषधि इसलिए काम नहीं कर रही है कि औषधि में मेडिसिन में भी विश्वास कम हो गया, औषधि इसलिए काम नहीं कर रही है कि औषधि के साथ साथ कुपथ्य खाया जा रहा है, और औषधि इसलिए काम नहीं कर रही है कि डॉक्टर ने जो सुपथ्य बताया था जो परहेज बताया था वो परहेज तो किया नहीं जा रहा है, कुपथ्य खाया जा रहा है और परहेज की वस्तु नहीं खा रही है, कुपथ्य की वस्तु खा रही है इसलिए औषधि काम नहीं कर रही है। वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय
श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय कृष्ण ताय गौर हरि जय श्री राधे कृष्ण।